हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर, रिजल्ट डेट को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेंस एग्जाम आपकी कब होगी, आंसर की आएगी नहीं आएगी, कट ऑफ यहाँ पर क्या कुछ रहेगा, और पद बढ़ाने के ऊपर डिस्कॉम की तरफ से जो जवाब आया है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की अपडेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, आंसर की के लिए पहले ही यहाँ पर जो अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी आंसर की नहीं आने वाली है, डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर भर्ती के परिणाम इस सप्ताह में जारी होंगे। सरकारी बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर के 1512 पदों पर हो रही भर्ती के पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। परिणाम बनाने का काम अंतिम चरण में है, ये यहाँ पर अखबार के अंदर अपडेट आई है। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 30 जून तक रिजल्ट आने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। उस टाइम में ही मैंने आपको बता दिया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की ज़्यादातर चांसेस हैं। आपका जो 30 जून बताया जा रहा है उस तक आपकी चांसेज है वो कम है। तो इसको लेकर यहाँ पर भरत बेनीवाल ने भी ट्वीट किया है, जो कि लगातार इस वैकेंसी के टच में है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के परिणाम को लेकर आज विभाग में उच्च अधिकारियों ने से मुलाकात की। परिणाम 3 से 4 जुलाई से पहले जारी कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन भी जल्दी किया जाएगा। पदों की बढ़ाने की संख्या अभी विभाग की ओर से पद खाली नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, यानी कि वैकेंसी बढ़ने की बात है तो विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि फिलहाल वैकेंसी खाली नहीं है। तो वैकेंसी आपकी बढ़ने के बहुत ही कम लेस चांसेस हैं। रिजल्ट आने के बाद में तो आपके बहुत ही और भी यहाँ पर ना के बराबर चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आए, यानी कि 4-5 तारीख जो बताया गया, तो 5 तक भी आप मानते हो तो आपका जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जाम है वो मेंस एग्जाम शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद में पद बढ़ाने पर कोई भी चर्चा बंद हो जाएंगी सारी। तो पद बढ़ाने की दोस्तों ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। और बात करें कट ऑफ की, तो वो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे बता सकते हैं कट ऑफ, एक आइडिया अगर हम बताएं कि 60% नंबर अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो उसका चांसेस है, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाने हैं। पर दोस्तों एग्जैक्ट कट ऑफ तब पता लगती है जब सभी आंसर की देखते हैं और सभी अपने नंबर बताते कि हमारे इतने इतने नंबर बन रहे हैं, तब यहाँ पर कट ऑफ की पूरी चर्चा होती है। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आंसर के नहीं आई है तो किसी को भी अपने नंबर भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अब रिजल्ट के बाद में ही सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, बाकी जैसे ही अपडेट आएगा तो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट नीचे जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।